वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट्स। तो जीके जनरल अवेयरनेस के आज के हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज की वीडियोस को हम स्टार्ट करते हैं। ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ये सभी वीडियोस का मटेरियल मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी मिस ना हो पाए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर इन ए करेक्ट, इनमें से कौन से रॉन्ग पेयर्स हैं। गोल्डन रेवोल्यूशन को फ्रूट प्रोडक्शन, ब्लू रेवोल्यूशन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ द फर्टिलाइजर्स, येलो रेवोल्यूशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्स। तो आपको इनमें से बताना है कौन कौन से रॉन्ग हैं। तो इसका आंसर क्या मिलेगा आपको, दैट इज़ बोथ टू एंड थ्री आर रॉन्ग। ये दोनों ही रॉन्ग हैं, ब्लू रेवोल्यूशन एंड येलो रेवोल्यूशन को उन्होंने रॉन्ग दिया हुआ है। दीज आर द इनकोरेक्ट। नेक्स्ट वन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग राइट हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स एंड कन्वर्टेड टू ए सिंपल लीगल राइट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट जिसको के कन्वर्ट कर दिया गया है सिंपल लीगल राइट में। तो सबसे पहला है राइट टू लाइफ एंड ए पर्सनल लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सो द आंसर ऑफ दिस वन इज़ राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से रिमूव कर उन्होंने सिंपल लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया है राइट टू प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट वन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर फंडामेंटल ड्यूटी, इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंडर नहीं आती। टू सेफगार्ड ए पब्लिक प्रॉपर्टी, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, टू प्रमोट हारमोनी, टू प्रोटेक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सो राइट आंसर इज़ टू प्रोटेक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज़ नॉट एन फंडामेंटल ड्यूटी, टू प्रोटेक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सो फोर्थ इज़ द राइट वन आंसर। नेक्स्ट वन इज़ विच एम्परर रोट द प्ले नागनंदा इन संस्कृत लैंग्वेज, इनमें से किस एम्परर ने नागनंदा प्ले को संस्कृत लैंग्वेज में लिखा था। सो राइट आंसर इज हर्षनंदा ने ये लिखा था। नेक्स्ट वन इज द बाउंड्री बिटवीन अर्थ्स एहक्रस्ट एंड मेंटल, अर्थ की एहक्रस्ट एंड मेंटल के बीच की जो बाउंड्री है उसको हम क्या नाम देते हैं, दैट इज मोहो डिसकंटिन्यूटी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नेशनल वाटर एनिमल ऑफ इंडिया, इंडिया का नेशनल वाटर एनिमल कौन सा है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडिया का नेशनल वाटर एनिमल कौन सा है, दैट इज़ गैंगटिक डॉल्फिन, गंगा की डॉल्फिन को हम इंडिया का नेशनल वाटर एनिमल का नाम देते हैं। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट वाज इन्वेंटेड बाय जे पी डनलप ने किस चीज़ की इन्वेंशन की थी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जे बी डनलप हैज़ इन्वेंटेड द कार, कार इज़ द राइट आंसर, कार की इन्वेंशन उन्होंने की थी। नेक्स्ट वन इज़ हु अमंग्स द फॉलोइंग इज़ ए रिनोन्ड वोकलिस्ट, इनमें से कौन से एक प्रसिद्ध गायक हैं, रिनोन्ड वोकलिस्ट हैं। दैट इज़ पंडित जसराज इज द राइट आंसर। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी का नेम क्या है। तो सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है कि प्लेइंग इट माई वे, दैट इज हिज ऑटोबायोग्राफी। इन कंप्यूटर ए टर्मिनोलॉजी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FTP, FTP की फुल फॉर्म क्या होती है। FTP की फुल फॉर्म दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट वन इज गुड्स फॉर विच द ए क्वांटिटी दैट कंज्यूमर चूजेस इंक्रीजेज एज द कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज एज द इनकम डिक्रीजेज आर कॉल्ड गुड्स, जिनकी क्वांटिटी कंज्यूमर की इनकम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, दैट आर कॉल्ड द नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स होते हैं वो जिनकी क्वांटिटी इनकम के साथ साथ इंक्रीज हो जाती है एंड इनकम के साथ साथ डिक्रीज हो जाती है।
The demand for a inferior good decreases with dash in the consumer's income. Inferior good की demand कैसे depend करती है consumer की income पर? Increase करती है अगर inferior goods की demand decrease करती है अगर income increase हो जाए तो. अगर income में increase हो जाए तो goods की demand decrease करती है. So increase is the right answer. Dash makes laws on matters included in union list and concurrent list. संघ सूची और यह समवर्ती सूची में शामिल मामलों पर कानून कौन बनाता है? That is लोकसभा. लोकसभा इन पर कानून बनाती है. On the matters included in union list and the यह concurrent list. Next one is according to the यह categories of land mentioned in the Chola inscriptions. Dash was known as the land for the maintenance of schools. Dash was known as the land for maintenance of schools according to the Chola inscriptions. That is answer hai iska aapke paas Shalabhoga. Shalabhogas are the lands for the maintenance of schools. Prince Selim was the name of future emperor. Prince Selim. Selim kis future emperor ka naam tha? मुगल एम्परर में से एक थे वो. दैट इज द जहांगीर. जहांगीर का नाम क्या था? सलीम. इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डैश अलोज अस टू मूव सिलेक्टेड पैराग्राफ टू द राइट. सिलेक्टेड पैराग्राफ को राइट पर मूव करने के लिए किस चीज के साथ किया जाता है? दैट इज इंक्रीज इंटेंट. इंक्रीज इंटेंट. Next one is dash scheme by the central government will strengthen the bond between all the states, regions, districts of India. Kaun si scheme central government ki will strengthen the bond between all the states, regions and districts of India. That is Ek Bharat Shreshth Bharat scheme. Ek Bharat Shreshth Bharat scheme. Dash is the ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस पर ब्रेकिंग ऑफ रॉक हम किसको नाम देते हैं? दैट इज वेदरिंग. वेदरिंग इज द ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स. ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन मिलिट्री डेकोरेशन अवार्डेड फॉर वैलोर एनकरेजेस एक्शंस और सेल्फ सेक्रीफाइस अवे फ्रॉम द बैटल फील्ड. सेल्फ सेक्रीफाइस एंड एनकरेजेस एक्शन अवे फ्रॉम द बैटल फील्ड के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? दैट इज अशोक चक्रा. अशोक चक्रा अवार्ड दिया जाता है उसके लिए. दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट वन इज चार मीनार वॉज बिल्ट बाय. चार मीनार को किसने बनाया था? चार मीनार इज बिल्ट बाय द मोहम्मद क्यूली कुतुब शाह. टू इज द राइट आंसर. तो ये थे हमारे आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज जनरल अवेयरनेस एंड जीके के साथ रिलेटेड. ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें. इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे चैनल को सपोर्ट मिल सके. और ऐसी और भी वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ये सभी मटेरियल देख सकते हैं. थैंक यू.